महापारा, तुम्हारे गेस्ट आए, लॉन में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेरे गेस्ट? और नहीं तो क्या, एक ही साहब तो आते तुमसे मिलने। एक ही सलाह? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? और आपको मैंने मना किया था ना, फिर भी आप। कंग्रेचुलेशंस। आपको समझ में नहीं आती कि मैं प्लीज खुशी के मौके पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्यों, आपका किसी अमीर घराने में रिश्ता तय हो गया? मेरा किसी अमीर घराने में रिश्ता तय होगा ना तो शायद खुशी तुम्हें होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने CA में टॉप किया है। क्या क्या मतलब? अरे रिजल्ट इसमें नहीं है, ये तो सिर्फ बुके है। हाँ ये तो बस बुके है। अब तो तुम बहुत खुश होगी, तुम्हारा कामयाब फ्यूचर तुम्हारे सामने है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, अपनी जिंदगी बना सकती हो। क्या इसके बाद मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ, अपना नाम अपना मुकाम बना सकती हूँ? बिल्कुल, अपना नाम भी बना सकती हो और अपना मुकाम भी बना सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। ट्रीट? ऑब्वियसली, अरे CA में टॉप किया है तुमने, मुझे 4 साल लगे थे, ट्रीट तो बनती है। डोंट वरी, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। लेकिन अभी तो मैं, अरे अभी नहीं, जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा मुझे फोन करके बता देना, मैं पिक कर लूंगा। महापारा की बरसी है और आप लोग तो उसके लिए न्याज दिलवाएंगे नहीं, इसलिए मैंने अपनी मॉम को कॉल करके कहा कि उसकी मगफरत के लिए न्याज दिलवा दें, क्योंकि उसने जो कुछ भी बुरा किया वो आप सबकी शह पे किया, इसलिए Thank you.
रास्ता जो मुझको दे दे मंजिले, लब है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिले, भरी थी चाहतों से जो नहीं है अब वो महफिले, सुना सा हो गया से बात हुई? नहीं यार, एक बार घर वालों से मिल तो लो। मिल लूंगा, बस कुछ वक्त और। मुझे सिर्फ ये बता दो, तुम्हें अब किस बात का इंतजार है? जिसके लिए तुम सब ये कर रहे थे उसका रिजल्ट आ गया है, जॉब का क्या है? जॉब भी लग ही जाएगी, तो अब किस बात का इंतजार है तुम्हें? जब तक वो सेटल नहीं हो जाती ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब वक्त लगेगा। वक्त किस लिए? कुछ तकलीफें भूलने के लिए वक्त लगता है, और अगर तकलीफ किसी और की हो तो और भी ज्यादा वक्त लगता है। मुझे सिर्फ ये बता दो, या मैं तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूं? और कल तुम्हारी अम्मी मेरे घर आने वाली थी। अब ऐसे सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तो मुझे ये बताओ मैं तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूंगा? और मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, उनका इस तरह बेबस होना मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? इसका मतलब मुझसे ज़्यादा खुशनसीब वो गरीब हैं जो आपने अपने सारे काम एक तरफ करके उनका सोचा। कुछ काम इंसान अपने गुनाह बख्शवाने के लिए भी करता है। अच्छा, तो आपके ऐसे कौन से गुनाह हैं जिन्हें बख्शवाने के लिए आप इतना बेचैन हैं? ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारी गुनाह बेचैन करें, कभी कभी दूसरों के गुनाह हमारा सुकून गारत करते हैं। किसके? मेरा मतलब है मुझसे शेयर नहीं करेंगे? हेलो हेलो रायत, हेलो, फोन काट दिया। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? सारा, मैं महापारा बात कर रही हूँ।
ओ माँ पारा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। दादी कैसी हैं? वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मैंने वो दादी शायद सो रही होंगी, लेकिन वो तो दिन में नहीं सोती हैं। तुम्हारे होते भी नहीं सोती होंगी, लेकिन अब तो अक्सर वो इस वक्त सोती हैं। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तो मेरी बात करवा दो। हाँ हाँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन ना लो। मैं घर जाते ही तुम्हारी बात कराती हूँ उनसे। तुम घर पर नहीं हो? नहीं, वो मैं रायत के साथ शॉपिंग पर आई हूँ। शॉपिंग? ओके। अच्छा सुनो माँ पारा, तुम ना अब ज़्यादा देर मत करना, बस जल्दी से वापस आ जाओ। क्यों, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। शादी? अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। नेक्स्ट मंथ तुम्हारी शादी? क्यों, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। फजल अंकल का फोन आया था डैड को डेट फिक्स करने के लिए। अच्छा, तो इसलिए मॉम ने मुझे इतनी अर्जेंटली यहां भेजा। नाउ आई गेट इट। बात करके जाऊं, और अगर कोई मसला हुआ तो सुहेल भाई संभाल लेंगे। नहीं, अभी आप घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये क्या बात हुई? हाँ पहले तो तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही थी। हाँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे रिजल्ट का वेट करें। वो क्यों? आप कहते थे ना कि आपकी पसंद टॉप क्लास होनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपनी पसंद टॉप क्लास ही दिखाएं। अच्छा तो ये बात है। सब खैरियत है, बस नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। तुम ठीक कहते थे रायद, बेवफाई से कोई नहीं मरता, ना बेवफाई करने वाला ना बेवफाई झेलने वाला। तुम भी जिंदा हो और मैं भी, और तुम तो आबाद भी खुशहाल भी। तुम्हारे रिजल्ट का सुनकर दादी तो बहुत खुश हुई होंगी। नहीं, उनसे तो अभी तक बात ही नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उनका नंबर नहीं लग रहा। तो दोबारा कर लो। नहीं, अब मैं उन्हें जाकर ही सरप्राइज दूँ, वो खुश होंगी। वैसे ही सरप्राइज से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि सरप्राइज तो ये हुआ ना कि तुम जाकर उनको बताओ कि तुमने सीए में टॉप किया है, और जॉब का भी इंतजाम हो गया और घर का भी। नौकरी इतनी जल्दी काम लगती है, मजाक ना करें। अरे जॉब भी हो जाएगी, तुम कल इंटरव्यू तो देने जाओ। इंटरव्यू देना? लेकिन मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया, कहाँ जाऊँ? अरे वो सब कुछ हो चुका है, तुम्हें मैं कंपनी का नाम और डिटेल सेंड कर दूंगा, और हाँ शायद वहां से भी कॉल आ जाएगी। कहां से? और वो लोग मुझे फोन क्यों करेंगे? एक्चुअली तुम्हारी सीवी मैंने जमा करवा दी थी, और कल तुम्हारी मार्कशीट आएगी, वो भी सबमिट करवा दूंगा। तुम्हें मेरे होते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू, लेकिन मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में किसी का एहसान नहीं लेना, मैं खुद नौकरी ढूंढ लूंगी। एहसान? तुम ये बात सीए में टॉप करने के बाद कर रही हो?
ए मैडम, यहाँ थर्ड पोजीशन लेने वालों के दिमाग नहीं मिलते और तुम एहसान की बात कर रही हो। और वैसे भी ये जो अच्छी फर्म्स होती है ना, ये टॉपर्स को खुद अप्रोच करती हैं। और वैसे भी दादी को भी तो साथ लाना ना, सोचो। देखो बेटा, मंगनी के वक्त हम लोगों ने उनसे कोई 2-4 महीने की मोहलत मांगी थी। अरे अब इतने महीने हो गए हैं बेटा, शादी तो करनी है। डैड, उनसे बात करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। देखिए, मैं सुकून के साथ खुद एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। यार उसमें हम तुम्हारी मदद कर देंगे ना, शादी डिले नहीं होनी चाहिए। यार मॉम, एटलीस्ट आपको तो मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था ना। क्यों, मजारों पर लंगर करवाने से पहले तुमने मुझसे डिस्कस किया था? मॉम, अरे बेटा अब ये तय हो गया कि तुम्हारी अगले महीने शादी है। डैड, और मेरा प्रोजेक्ट? अरे भाई वो भी होता रहेगा साथ साथ, लेकिन शादी तुमने करनी बस। हमेशा इसकी हर बात मानते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते। I'm Mahapala Rehmat Hussain. I have an interview. Yeah, ma'am. Go ahead. First left, then right. And room number 23. Should I go there right now? Yes, ma'am. They are waiting for you. अच्छा हुआ जो मैंने महापारा को नहीं बताया कि मैं अभी उसी फर्म में काम करता हूं, और ये कि मैंने महापारा की सिफारिश की, वरना वो इसे भी एहसान समझकर इंटरव्यू के लिए ना आती। मुझे महापारा को कॉल करके पूछना चाहिए? नहीं, मुझे अभी थोड़ा वेट करना होगा। आज तुम्हारा इंटरव्यू था? हुँ. ये हूँ क्या होता है? इंटरव्यू कैसा रहा और सैलरी क्या डिमांड की है? 2 लाख। 2 लाख तो उन्होंने ऑफर किया है, तुमने क्या डिमांड किया है? मैं क्या डिमांड करती? तुम 3 लाख डिमांड करो, वो दे देंगे। लेकिन वो और भी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात घर और गाड़ी। महापारा तुम टॉपर हो, और मल्टीनेशनल फर्म्स में घर और गाड़ी देना कोई बड़ी बात नहीं होती। फैसिलिटीज में नहीं आता, नेसेसिटीज में आता। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ नेसेसिटीज की जरूरत है।
फैसिलिटीज में अपना काम दिखाने के बाद ले लूंगी। मतलब ये जॉब तुम एक्सेप्ट कर रही हो? जी, ऑफर लेटर मेरे हाथ में है। दैट्स गुड। जॉइनिंग कब से? फिफ्थ से। लेकिन उन्होंने तो फर्स्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा है। हाँ, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ काम निपटाने हैं। मसलन? जो घर मुझे मिला है उसे सेट करना है और दादी को वहां पे शिफ्ट करना। अरे वो घर तुम्हें फर्निश्ड मिलेगा, उसको सेट करने की जरूरत नहीं है। और ये काम तो तुम ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकती हो। नहीं, ज्वाइनिंग के बाद तो मुझे सिर्फ काम करना होगा ना। हाँ, ये बात तो है। मल्टीनेशनल फर्म में जितने ज्यादा पैसे देते हैं, काम भी उतने ही ज्यादा लेते हैं। और वैसे भी 5 दिन लेट ज्वाइन कर रही हो तुम। एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि उन्होंने फर्स्ट से ज्वाइनिंग का कहा? ऐसे ही गैस किया मैंने। नॉर्मली यही होता है ना, फर्स्ट से ज्वाइन करना होता है, इसलिए। आपने बुलाया था? हाँ बेटा, ये देखो, इन्हें जानते हो? ग्रैंड लैंड बिल्डर्स। तुम जानते हो इन्हें? हाँ जी, दुबई बेस्ड कंपनी है डैड। डिफरेंट कंट्रीज में काफी मेगा प्रोजेक्ट्स किए इन लोगों ने। इतना तो मैं भी जानता हूँ बेटा। ये बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है कि इनका अगला प्रोजेक्ट क्या है? रिसेंटली मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं ये लोग। कोई प्रोजेक्ट नहीं बेटा, ये हमारे शहर में नया शहर बसाने लगे हैं, जदीद शहर। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर इनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिल जाए ना, तो क्या ही बात है। और ये प्रपोजल तुम बनाओ। मैं? देखो राय, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो हमारे अगले पिछले सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है डैड, लेकिन आप सुहेल भाई को बोले ना, वो बना देंगे प्रपोजल। मैं ऑलरेडी अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी हूँ। बेटा, तुम अपना प्रोजेक्ट सुहेल को दे और इसकी कोटेशन और प्रपोजल तुम बनाओ। लेकिन डैड, मैं ही क्यों? डैड, एट द एंड ऑफ द डे आप और सुहेल भाई मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, देन व्हाई मी? बेटा, ये तो मैं मानता हूं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इंटरनेशनल फर्म है, ये एक जदीद शहर बना रहे हैं बेटा। और तुम बाहर से पढ़ लिख कर आए हो, तुम्हारी जदीद सोच चाहिए हमें, तुम हमसे बेहतर काम कर सकते। डैड, मैं आपके साथ हूं, लेकिन देखो राय, अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाता है ना, हमारे नाम का चर्चा तो होगा सो होगा, और हमारे अकाउंट्स का जो ग्राफ नीचे गिर गया वो भी ऊपर आ जाएगा। सुहेल की गलतियों की वजह से हमें बहुत नुकसान। अब देखो, करो, मेरी दिली ख्वाहिश है ये तुम करो। छोड़ दोगी तो बड़ी अफसर कैसे लगोगी?
मुझे बड़ी अफसर लग के क्या करना है अपा? बड़ी सी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर लेना है। मेरी बेटी को शुरू से गाड़ियों में घूमने की आदत है, तो हम गाड़ी लेंगे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, मैं सारी जिंदगी बड़ी सी गाड़ी में ही घूमूंगी। बगैर पढ़े लिखे कैसे? मैं तो एक मामूली सा मुंशी हूँ, तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। हाँ, तू पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हम गाड़ी लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वो बाजी, मैं बराबर वाले घर में फुल टाइम काम करती हूँ, लेकिन अब वो लोग जा रहे हैं, मैं काम ढूंढ रही थी, अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। वैसे कब आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जल्दी आएंगे। मैं सफाई कर दूँ? मुझे सफाई बहुत अच्छी तरीके से आती है। नहीं, मैं आने के बाद करवाऊंगी काम। ठीक है, फिर आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। घर देख लिया तुमने? हाँ देख लिया। तो अब फिर? अब दादी को लेने जाऊंगे। तो अभी तक फोन नहीं किया? नहीं, अब उन्हें जाकर ही सरप्राइज दूंगी। तुम भी ना जिद की बहुत पक्की हो। जिद की बात नहीं है, मैंने उन्हें फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही, और अब मैं भी नहीं करूंगी, अब डायरेक्ट उन्हें लेने जाऊंगी। गाड़ी मिल गई? नहीं, जॉइनिंग के बाद मिलेगी, अभी तो बस सिर्फ कीज मिले हैं। तो घर देखने कैसे गई थी? जैसे हर जगह जाती हूँ, कैब से। अच्छा, वो दादी को लेने मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, और टैक्सी पे मत जाना। नहीं साला, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे किसी से मदद लेना अच्छा नहीं लगता। बुढ़िया कमरा क्यों नहीं छोड़ रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, पिछले महीने छोटी बीबी की सालगिरह थी, बड़ी बेगम साहिबा ने गलती से झूला सरकने का बोल दिया। झूला तो ना सरका, लगता है कमर की हड्डी सरक गई, इसीलिए लेटी रहती है। हाँ देखो, पूरा महीना हो गया है, लेटी भी है और बड़ी बेगम साहिबा भी ना गुस्सा कर रही है। तुम्हारा तो ये हमेशा का ड्रामा है, पंखे साफ कर दिए तो टांग टूट गई, छत धो दी तो कमर अकड़ गई, कंधे अकड़ गए, काम नहीं होता तो निकलो यहाँ से। बेगम साहिबा बहुत तकलीफ, वरना मैं कहाँ बैठती हूँ? अरे तो मैं क्या करूँ, काम नहीं होता तो निकलो। मैंने कोई ओल्ड पीपल्स होम तो नहीं खोला ना कि तुम्हारी पोती तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई और मैं मुफ्त की रोटियां खिलाती रहूं। और प्लीज जस्ट गेट आउट, बहुत हो गया ड्रामा, उठे। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा, सब पता है मुझे, ड्रामे फालतू के, प्लीज गो। आप तो जनाजा अटेंड करने गई थी ना, क्या कब्र में हड्डियां गलने का इंतजार कर रही थी? कब्र में सिर्फ हड्डियां नहीं गलती, कीड़े भी पड़ते हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप मिस मापारा? आपको लोगों पर जुल्म करते हुए खुदा से डर नहीं लगता ना? तो आपको याद दिला रही, आपको उस वक्त खुदा याद नहीं आया था जब आप अपनी दादी को यहां अकेला छोड़ के जा रही थी? मैं तो साथ लेके जा रही थी, आपने और सारा ने इज्जत की थी ना? रियली वेरी नाइस। मैंने और सारा ने कहा था तो हमने कुछ दिन के लिए कहा था, हमें क्या पता था कि आप अपने बोझ से जान छुड़ा रही हैं। मेरी दादी मुझ पर बोझ नहीं है। Really?
लेकिन हम पे तो बोझ बना दी ना। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी कंगाल हो चुकी हैं कि एक औरत की दो वक्त की रोटी भी आप पे भारी पड़ने लगी है। नाइस। इतने दिनों बाद आप तशरीफ लाई हैं और आप यहाँ खड़ी होकर मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। आप डिजर्व करती हैं। और आपको क्या लगता है आपकी इन बेसलेस बद्दुआओं से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? सब लोगों को बद्दुआएं बर्बाद नहीं करती है, कुछ लोगों को उनके गलत फैसले भी ले डूबते हैं। किस कदर एहसान फरामोश लोग हैं आप। गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ, निकलो मेरे घर से। हाय बड़े। दादी अब नहीं रहना यहाँ। नहीं रहेंगे दादी, नहीं रहेंगे। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊंगा? ऑफिस जाने का तो टाइम नहीं है। मेरा अपना ऑफिस है, अपना काम है, किसी के यहाँ जॉब नहीं करता। जब दिल चाहे जाऊं, जब दिल चाहे आऊं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? हैरत है, अपना बिजनेस होता है तो लोगों को खुद से फिक्र होती है, और एक आप है कि सारा कुछ मुलाजमों पे छोड़ा हुआ है। मुलाजमों पे नहीं छोड़ा हुआ, वहां पे रायद और डैड होते हैं। रायद? क्यों हंस रही हो? मैंने कोई जोक सुनाया? नहीं, आपने कोई जोक नहीं सुनाया। एक्चुअली मैं रायद के बारे में सोचकर हंस रही थी। भाई वो तो कल से घर में अपना एक नया शहर बसाने की तैयारी कर रहा है। नया शहर? क्या मतलब? आपको नहीं पता? भाई मम्मी जी उसकी शादी पर तुली हुई हैं और डैड ने उसके ऊपर किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आप ही बताएं, वो अपना उजड़ा हुआ दिल लेकर नया घर बसाएगा या नया शहर? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ही डूब जाएं। मैं क्या करूंगा आपको इससे मतलब? आप कौन होती है मुझे डिस्कस करने वाली? भाई तमीज से। क्या तमीज से? भाभी ये तुम्हारी लिहाज करो। ये लिहाज फिर आप इन्हें सिखाएं। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? मैं ये बातें अपने कमरे में अपने शौहर से कर रही हूं। तो फिर आप अपने कमरे में अपने शौहर से अपनी बातें करें। दोबारा मेरा नाम लिया तो समझा दे अपनी बीवी को। आखिरी बार कह रहा हूं, नेक्स्ट टाइम लिहाज नहीं करूंगा। भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसकी तरफ से दिल बुरा मत करो बेटा, उसका क्या कसूर है? दादी उसने वादा किया था आपकी हिफाजत का, वो आपको हॉस्पिटल तो लेकर जा सकती थी ना? मैंने उसको अपने दर्द की शिद्दत का बताया ही नहीं था। अगर मैं उसको बता देती तो वो तुमको बता देती और फिर तुम भागी दौड़ी चली आती अपने सारे काम छोड़कर। दादी मैंने उसे जब भी फोन किया ना उसने कहा आप सो रही हैं, या तो वो बाहर होती थी या कुछ और। ये बताओ कि तुमने कोई घर देखा किराए पर? नहीं। तो फिर हम कहां जा रहे हैं? यहां। ये किसका घर है? आपका। Thank you.
ये ग्रैंड बिल्डर्स को न्यू लैंड सिटी वालों को प्रपोजल भेज दिया तुमने? नहीं सोहेल भाई, अभी प्रपोजल डिज़ाइन कर रहा हूँ, जब दूसरे लोगों की कोटेशंस आ जाएंगी तो फिर अच्छा आइडिया होगा। यार तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो, ये दर्दे सर छोड़ो और दिमाग से काम लो, अपने लिए भी आसानी करो और उनके लिए भी आसानी करो। क्या मतलब? मतलब ये कि ग्रैंड बिल्डर्स वालों का कोई मेंबर पकड़ो और उसके साथ कोई डील बना लो, सिंपल। आप मुझे ब्राइब करने को क्या? नहीं इसे ब्राइब नहीं कहते, शॉर्टकट कहते। यू नो व्हाट सोहेल भाई, आई एम सॉरी लेकिन मुझे शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। तुम्हें शॉर्टकट नहीं चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? देखिए सोहेल भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो वो हमें हमारा प्रपोजल देकर ही देंगे, हमारी कोटेशन बहुत अच्छी है, हमारा काम मेयारी है। मेरे भाई यहाँ पे कोई भी काम मेरिट पर नहीं होता। सोहेल भाई हम एक इंटरनेशनल फर्म को पिच करें, हमें जेन्युइनली काम करके वो सब मिल सकता है जो आप शॉर्टकट से लेना चाहते हैं। ठीक है, ट्राई करके देख लो। तुम भी यहां हो और मैं भी यहां हूं, अगर ब्राइब ना देनी पड़े तो बताना।